एक ट्वीट आया अमित शाह का, वो जरा पढ़ के बता दें दर्शकों को। बिल्कुल हुसैन, लगातार हर कोई अपना श्रद्धांजलि लता मंगेशकर को अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, सुर व संगीत की पूरक लता दीदी ने अपनी सुर साधना व मंत्र मुग्ध कर देने वाली वाणी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में हर पीढ़ी के जीवन को भारतीय संगीत को मिठास से सराबोर किया है। संगीत जगत में उनके योगदान को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। इसी कड़ी में एक और ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो कुछ इस तरह से अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।